हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट ऑफ अस के एपिसोड 2 की। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि डॉक्टर बो और प्रेमचिनी लाडा को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब आगे, अगली सुबह हवेली में डाइनिंग टेबल हंसी से भर गई जब 3 साल और 2 साल के बच्चे अपनी आंटी लाडा के साथ खेल रहे थे। वे आंटी लाडा को हक करना चाहते थे और लाडा उनके हाथ पकड़ने के लिए उनके पास आई। वह सोचती है अगर उन दोनों बच्चों को एक साथ उठाएगी तो वे दोनों काफी हैवी हैं। तभी आंटी, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? नुंग, जो लाडा की भतीजी है, उसने लाडा से पूछा। लाडा पूछती है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? नुंग कहती है, आंटी लाडा के साथ खेलने जाना चाहती है। इतना सुनकर लाडा ने अपनी नीस को हक किया और उसके चिक्स पर किस करती है। वह अपनी नीस को अपने सामने वाली चेयर पर बिठाने के लिए ले गई। कभी कभी लाडा बहुत बिजी रहती है, लेकिन फैमिली के साथ रहने से उसे खुशी मिलती है। लाडा कहती है, तो चलो एक साथ नाश्ता करते हैं, नहीं तो आप स्मार्ट नहीं बनेंगे। ये सुनकर नुंग कहती है, नुंग भी आंटी की तरह स्मार्ट बनना चाहती है। ये सुनकर लाडा कहती है, अगर नुंग को स्मार्ट बनना है तो दूध तो पीना ही होगा। लाडा की स्वीट और प्यारी आवाज ने नुंग को आंटी की तरह बनने पर मजबूर कर दिया। लाडा जब अपनी फैमिली के साथ होती है तो वह अपने पेन को भूल जाती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वह उसे अभी भी याद आती है। तभी लाडा के डैड पूछते हैं, बेटा काम कैसा चल रहा है? क्या तुम अपने काम से परेशान हो? ये सुनकर लाडा कहती है, सब कुछ ठीक है डैड। इतना कहकर लाडा अपने डैड को देखकर मुस्कुराई और उन्हें एक कॉफी पास की और हमेशा की तरह अपने डैड के चिक्स पर किस करती है। ये देखकर माँ कहती है, मुझे भी एक कप कॉफी चाहिए। ये सुनकर लाड़ा कहती है, ठीक है माँ, मैं इसे रेडी कर रही हूँ, आप एक बच्चे की तरह नाराज हो रही हैं। ये कहते हुए लाड़ा ने अपनी माँ को टेस्ट किया और उनके चिक्स पर भी किस करती है और फिर अपनी नीस के पास जाकर बैठ जाती है और उसे खाना खिलाती है। मॉर्निंग के बिजी टाइम ने लाड़ा के चेहरे पर हंसी ला दी, लेकिन वह अपनी उदास आंखों से अपने सामने रखे पोज के बाउल को देख रही थी। वह सैड नहीं होना चाहती थी, फिर भी किसी की याद उसे परेशान करती है, लेकिन उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। तभी लाड़ा अपने पास्ट के बारे में सोच रही है। उसकी लवर लाड़ा को उसके लिए खाना बनाने के लिए कहती थी। उन दोनों को प्रॉन्स पोज काफी पसंद था और उनकी फेवरेट डिश थी। उसकी लवर हमेशा कहती थी कि खाना टेस्टी था और लाड़ा को बार बार इसे बनाने के लिए कहती थी। यहाँ तक कि जब भी वह बीमार होती थी तब भी वह चाहती थी कि लाड़ा उसके लिए खाना बनाए और उसे खिलाए, लेकिन यह एक ऐसा पास्ट था जिसे वापस नहीं लाया जा सकता था। लाड़ा अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी। इसके बाद नाश्ता करने के बाद तभी आंटी लाड़ा, दोनों बच्चों ने एक साथ अपनी आंटी लाड़ा को बुलाया। लाड़ा जो रूम में बुक पढ़ रही थी, उसने अपनी बुक रख दी और उन्हें सोफे पर एक साथ बैठने के लिए कहा। वे दोनों बच्चे अपनी आंटी लाड़ा के साथ वीकेंड को एंजॉय करना चाहते थे। तभी लाड़ा पूछती है, क्या हुआ नुंग और प्रे? ये सुनकर नुंग कहती है, मैं और प्रे दोनों आइसक्रीम खाना चाहते हैं। लाड़ा जानती थी कि बच्चों को उसके पास क्यों भेजा गया था, क्योंकि उसकी फैमिली जानती थी कि यदि लाड़ा अकेली रहेगी तो वह उदास रहेगी और अकेला फील करेगी, लेकिन उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि लाड़ा अकेली रहे। तभी लाड़ा कहती है, ठीक है चलो तो अपनी क्लोथ चेंज कर लो। रेडी होने के बाद वे शहर के बीच में क्राउड वाले डिपार्टमेंटल स्टोर में गए। ये देखकर लाड़ा ने एक आह भरी। वह अपनी दोस्त को भी साथ लेकर आई थी जो उसके साथ बच्चों को संभालने में उसकी हेल्प कर रही थी। वे सभी खुशी से बातें कर रहे थे। तभी लाड़ा कहती है, इतने सारे लोग, क्या यहाँ कोई फंक्शन है? ये सुनकर उसकी दोस्त टैंक कहती है, मुझे लगता है यह सिर्फ वीकेंड के कारण है, चलो आइसक्रीम की दुकान पर चलते हैं। यहाँ सिर्फ लाड़ा ही नहीं थी जिसे क्राउड वाली प्लेसेस पसंद नहीं थी, बल्कि उसकी दोस्त टैंक भी थी। टैंक को बच्चे और अपने ब्यूटीफुल दोस्त की सेफ्टी के लिए थोड़ा लड़कों जैसा बिहेव करना पड़ा। आइसक्रीम की शॉप पर बहुत भीड़ थी और लाड़ा घर जाना चाहती थी, लेकिन बच्चे वहाँ आइसक्रीम खाना चाहते थे, इसलिए उन्हें शॉप के सामने ही वेट करना पड़ा। तभी लाड़ा की नजर पिंक पिंक थीम वाली शॉप पर पड़ी और स्माइल करने लगी। ये देखकर उसने सोचा, शायद शॉप के मालिक को पिंक कलर काफी पसंद है। तभी आंटी लाड़ा
लाड़ा कहती है, हाँ बच्चे। नूंह कहती है, प्रे को चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर लाड़ा कहती है, ठीक है, आज आपने अच्छे से बिहेव किया तो मैं आपको 2 आइसक्रीम दिलाऊंगी। आखिरकार लंबी लाइन के बाद उन्हें आइसक्रीम दे दी गई और लाड़ा खुश थी। वहीं कई लोग उन्हें देखकर सोच रहे थे कि वे अच्छी फैमिली है। डॉक्टर टैंग जो बच्चों के साथ बिजी थी, लेकिन कुछ लोग उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे क्योंकि हर कोई सोच रहा था कि वे एक कपल हैं। तभी लाड़ा कहती है, टैंग क्या तुम जल्दी कर सकती हो, क्योंकि लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। ये सुनकर टैंग कहती है, आपको ये क्यों पसंद नहीं है, क्या तुमने मुझे अपनी लाइफ बना लिया है। टैंग कहती है, मुझे एक मैन चाहिए, मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो आपकी जैसी ब्यूटीफुल ही क्यों ना हो। तभी प्रे कहता है, आंटी टैंग ये लेडी क्या होती है। तभी लाड़ा ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बच्चे बड़ों की बातों पर ध्यान दे। लाड़ा कहती है, रोबोट कौन कौन खरीदना चाहता है, चलो हमें जल्दी से इसे खरीदना चाहिए। लाड़ा ने बच्चों का ध्यान हटाने के लिए टॉपिक चेंज कर दिया, जिससे बच्चे काफी हैप्पी हो गए। लाड़ा ने बच्चों के लिए रोबोट, रिमोट कंट्रोल वाली कार और डॉल खरीदी। भले ही वे कॉस्टली थे, लाड़ा के दोस्त ने भी सामान को उठाने में हेल्प की। टैंग कहती है, अगर तुम अपने बच्चों के लिए खिलौने दिलाने और मुझे उन्हें उठाने के लिए लाई हो तो प्लीज अगली बार मुझे लेकर मत आना। ये सुनकर लाड़ा कहती है, ये ज्यादा नहीं है, बस कुछ चीजें हैं। ये सुनकर टैंग कहती है, कुछ चीजें हैं लेकिन बहुत भारी है और मेरे हाथों में भी पेन होने लगा है। इतना कहकर टैंग कहती है, आओ वहाँ बूथ देखें। ये सुनकर लाड़ा पूछती है, आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं और शायद बच्चे खो सकते हैं। ये सुनकर टैंग नोंग की तरफ देखती है और उससे पूछती है, क्या आप सुपरस्टार से मिलना चाहती हैं। ये सुनकर नोंग कहती है, सुपरस्टार हमारे जैसे ही होते हैं, आपको बच्चों को उनसे नहीं मिलवाना चाहिए। तभी टैंग कहती है, लाड़ा आप एक स्किन स्पेशलिस्ट है, आप तो उनसे हर रोज मिलती है, लेकिन मुझे तो मिलने दीजिए। टैंग की बात सुनकर लाड़ा ने सैड होकर अपना सिर हिलाया। वह सोचती है कि इतने सालों बाद भी उसकी दोस्त नहीं बदली है, लेकिन जब काम की बात आती है तो वह इस तरह बिहेव नहीं करती, वह सीरियस रहती है। वहां एक फेमस क्रीम के प्रमोशन के लिए बहुत सारे लोग मौजूद थे। ये देखकर लाड़ा ने फंक्शन से दूर रहने का फैसला किया, जबकि टैंग ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बच्चे भी लाड़ा के साथ थे। वह नहीं चाहती थी कि बच्चे इतनी क्राउड में रहे। लाड़ा को क्राउड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह बच्चों से भी कहती है, हमें यहीं रहकर आंटी टैंग का वेट करना होगा। लाड़ा की बात सुनकर बच्चे बस ठीक है कहते हैं। तभी फंक्शन शुरू हुआ और हर तरफ शोर हो गया, लेकिन लाड़ा अपने बच्चों के साथ कहीं दूर चली गई। लेकिन इसके बाद जब फंक्शन खत्म हुआ तो टैंग भी अपनी दोस्त लाड़ा के पास आ गई और वे सभी खुशी से वापस अपने घर आ गए। अगले दिन स्विमिंग पूल पर लाड़ा ने एक स्विम सूट पहना था, जिससे उसकी व्हाइट स्किन स्लिम फिगर दिखाई दे रहा था। डॉक्टर सिने और डॉक्टर टैन ने अपने दोस्त की सेक्सी बॉडी स्विम सूट को देखकर अपना सिर हिलाया, और जिसे देखकर लोगों का ध्यान भी उस तरफ अट्रैक्ट हुआ। उसकी प्रेजेंट ने पूल के आसपास के लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। लाड़ा कहती है, मैंने स्किन स्पेशलिस्ट की स्टडी की है। ये सुनकर टैंग पूछती है, क्यों। टैंग कहती है, क्या आप जानती हैं कि मोस्टली स्किन स्पेशलिस्ट ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होती है। ये सुनकर लाड़ा कहती है, हाँ मैं एग्री करती हूँ। टैंग जो स्विमिंग कर रही थी, वह लाड़ा को देखते हुए मुस्कुराई। वह खुश थी कि लाड़ा ब्रेकअप के बाद अकेले नहीं रहना चाहती थी। हालांकि लाड़ा सबके सामने ठीक होने का नाटक करती रही, लेकिन वह अकेले रहने पर आंसू बहाती है। इसके बाद लाड़ा पूछती है, वो कहाँ है। टैंग बताती है, वो पूल में है। इसके बाद लाड़ा जब पूल से स्विमिंग करके बाहर आई तो उसकी बॉडी से पानी की बूंदें फिसल रही थी और धूप से उसकी बॉडी शाइनिंग कर रही थी। जब लाड़ा बाहर आकर चेयर पर बैठी तो तभी अचानक हेलो, पिंक ड्रेस पहने एक लेडी ने लाड़ा से कहा। लाड़ा ने अपना चश्मा उतारते हुए उस लड़की की तरफ देखा और हेलो कहा। लड़की पूछती है, क्या तुम स्विम करने यहाँ पहली बार आई हो। इतना कहकर लड़की लाड़ा की तरफ मुस्कुराई। लाड़ा को उस लड़की को देखकर हैरानी हुई, क्योंकि वह उसकी पेशेंट में से एक थी। लाड़ा आंसर देती है, हाँ मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। तभी लड़की पूछती है, क्या तुम मुझे जानती हो।
मैं रोजे हूँ आपकी पेशेंट। ये सुनकर लाडा फिर से उसे देखकर स्माइल करती है। लाडा कहती है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है, मैं आपको याद नहीं रख सकती और मुझे इसके लिए अफसोस है। इतना सुनकर रोजे लाडा के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया, तो इससे लाडा के फेस की स्माइल फेड हो गई। रोजे कहती है, आप मुझे याद क्यों नहीं रख सकते, मैं इतनी फेमस भी हूँ। ये सुनकर लाडा कहती है, मेरे पास इंटरटेनमेंट न्यूज देखने का टाइम नहीं रहता है। यह सुनकर रोजे कहती है, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। रोजे की बात सुनकर लाड़ा कहती है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। रोजे से बात करते समय लाड़ा ने हम्बली बिहेव किया, तभी रोजे कहती है, डॉक्टर लाड़ा मुझे अब जाना होगा। रोजे ने जाते हुए लाड़ा को एक बार फिर से देखा, वह हैरान थी कि लाड़ा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। कई लोगों ने उसे बताया था कि लाड़ा को केवल गर्ल्स पसंद है, फिर भी लाड़ा को रोजे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रोजे सोचती है, क्या वह अट्रैक्टिव नहीं है। तो दोस्तों ये था द सीक्रेट ऑफ अस का एपिसोड 2। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।